निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। देखिए भारत लोकतांत्रिक परंपरा का देश है और उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्वाभ्यास ही है छात्र संघों के जरिए, क्योंकि इस देश में एक ऐसी बड़ी छात्र शक्ति जिसने समय समय पर देश को नेतृत्व दिया है, कहीं ना कहीं किसी स्कूल किसी कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से निकलकर, क्योंकि राजनीति उस लोकतंत्र का अंग है और निश्चित रूप से वो राजनीति वो छात्र शक्ति इस देश को दिशा देती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें उस छात्र राजनीति का एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये आह्वान किया मैंने विद्यार्थियों से कि निश्चित रूप से लोकतंत्र की अक्षुण्णता में उनका योगदान हो और इसके अलावा भी समाज को बदलने के लिए इस पूरी ताकत का सही दिशा से इस्तेमाल हो। तो आज अच्छा लगा कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय मुझे आने का अवसर मिला, एक अच्छा संजीदा कार्यक्रम हुआ और मैं निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे 2022 में वो भारत के लिए एक स्वर्णिम युग होगा जिसमें भारत की नौजवान शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। सर आपने संविधान और लोकतंत्र की बात की थी, गहलोत साहब ने विधानसभा में कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, महाराष्ट्र का जिक्र किया था, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी अल्पज्ञानी हैं, राजनीति का अनुभव हो सकता है लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल उन्हीं की प्रधानमंत्री के समय लगा, वो नायकत्व पर हमला करते हैं तो भूल जाते हैं कि देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो भूल जाते हैं कि इस देश में 81 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हुआ। वो भूल जाते हैं कि 80 के दशक में देवीलाल जी को शपथ लेनी थी लेकिन कांग्रेस के भजनलाल जी को शपथ दिलाई गई, इसलिए उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ऐसा कर रहे हैं वो, 900 चूहे खा के बिल्ली चली आज को। एक आमजन का बड़ा सवाल है, प्याज के भाव काफ़ी बढ़े। मुझे लगता है कि इस तरीके का संतुलन इस देश में कई बार देखने को मिला लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस तरीके का स्थिरता नहीं होगी। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और बिगड़ी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को और उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों को, जिसमें महंगाई भी शामिल है, जिसमें प्याज भी शामिल है, आलू और प्याज के कारण तो एक बार 4 सरकारें चली गई थी, तो निश्चित रूप से ये सरकार की प्राथमिकता है कि इन पर नियंत्रण होगा और आने वाले समय में एक सुखद अर्थव्यवस्था भी दिखेगी और महंगाई पर भी लगाम होगा। सर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू कम हो रहा है क्या? प्रधानमंत्री जादूगर नहीं है, प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने इस देश में 2014 और 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लोकतंत्र के बल पर इस देश में एक मजबूत और लोकतांत्रिक सरकार दी है। राजनीति में आंशिक हार या जीत ये उसका पक्ष है लेकिन इस देश में कांग्रेस को 55 वर्षों तक जीत मिली, राज मिला, उसके बाद भी उनका पेट भरा नहीं और अभी भी वो दावे करते हैं, कई बार बड़ी हास्यास्पद सी बात करते हैं कि बेरोजगारी हल करेंगे। तो उनको किसी ने मना किया था कि 55 साल में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने लगाई और हमने हटा दी हो। उनको करना चाहिए, इसलिए मोदी जी का जादू वादू की तो बात नहीं करता लेकिन उनका देश के प्रति नीति और नियत स्पष्ट है, वो देश में देश की इज्जत और स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा राजनेता बरसों में ही आता है। दो सवाल हैं सर, निकाय चुनाव में हार का क्या कारण रहा और आगे क्या कर रही है? देखिए यदि आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो खुलासा हो जाएगा, ये सरकार प्रचारित कर रही है कि सरकार जीती है, इसमें न तो कांग्रेस जीती है न बीजेपी हारी है। 2105 वार्डों के चुनाव हुए, 961 कांग्रेस को मिले, 737 बीजेपी को मिले, 427 जो है निर्दलियों को मिले, 27% मत निर्दलियों को मिला, 33 बीजेपी को मिला, 36 कांग्रेस को मिला, 82,000 वोटों का फर्क था। उसमें कह रहे हैं गहलोत साहब की सुनामी आ गई, तो फिर सुनामी आ गई तो फिर 25 सीटें क्यों आ रहे भाई? निकाय की हार तो मुद्दा बन गई, लोकसभा में हार मुद्दा नहीं बनी, इसलिए मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थूतू ये नहीं चलता है, इसका ढंग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
तो मुझे निगम तीन थे, तीन में से दो हम जीते और एक में तिगड़म किया, पैसे का, मशीनरी का, सत्ता बल का, षड्यंत्र का सारा इस्तेमाल किया। ऐसा कभी राजस्थान में हुआ नहीं, 56 वर्षों के इतिहास में इस तरीके से चुनाव कभी नहीं हुए जिसमें 7 दिन का गैप हो। और अलवर की रूपवास की घटना से साफ जाहिर है कि मंत्रियों ने पुलिस के पहरे में बीजेपी के कैंपों पर हमले किए। सरकार में हिम्मत होती तो प्रत्यक्ष चुनाव करा के बताते, इनडायरेक्ट क्यों कराए, पार्षदों की खरीद फरोख्त की मंडी बनाया उन्होंने, इसलिए बहुत सारे कारण है मित्रों, ढूंढना शुरू करेंगे।